चले रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अगला प्रकार इस प्रकार से है, उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। अतः कह सकते हैं उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है अर्थात दर में वृद्धि कर देता है तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है या दर में कमी कर देता है। तो हम कह सकते हैं उदाहरण के माध्यम से उत्प्रेरक के प्रभाव को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनाते हैं। तो हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में तीव्र गति से अमोनिया बनाते हैं। तो यहां पर आयरन धनात्मक उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण लें तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O2 का विघटन धीमी गति से हो जाता है और जल और ऑक्सीजन बनता है। तो फास्फोरिक अम्ल H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड को धीमी गति से तोड़कर जल एवं ऑक्सीजन बनाता है। फास्फोरिक अम्ल की अनुपस्थिति में H2O2 तीव्रता से टूटता है, परंतु फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O2 धीमी गति से टूटकर जल एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। तो यहां पर फास्फोरिक अम्ल ऋणात्मक उत्प्रेरक एवं यहां पर अर्थात हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। धन्यवाद।